चलो दोस्तों, तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में एजोर पोर्टल पे जाके एकेएस सर्विस के थ्रू हमने क्लस्टर बनाया था, ठीक है। और उस क्लस्टर पे अगर हमें कोई डिप्लॉयमेंट करना होता था तो हम लोगों ने क्या किया था, एजोर पोर्टल के अंदर यहाँ क्लाउड सेल को हमने ऐसे ओपन कर लिया, ठीक है। और यहाँ से बैठ के हम लोग अथेंटिकेट करने के बाद अपनी डिप्लॉयमेंट वगैरह कर रहे थे। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग अपने लैपटॉप से बैठकर जो एकेएस के अंदर जो क्लस्टर बना वहां पे डिप्लॉयमेंट करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो आप लोग हर टाइम पोर्टल को लॉगिन करके नहीं बैठेंगे, आपको कंपनी ने जो लैपटॉप दिया है ना, आप उसी लैपटॉप से डायरेक्टली कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, है ना, डायरेक्टली डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो उसके लिए आपको एक एजोर सीएलआई नाम का सॉफ्टवेयर आता है, आपको पहले उस अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके एजेड स्पेस लॉगिन करेंगे तो आप अपना आईडी पासवर्ड देंगे और देन उसके बाद ऑथेंटिकेट हो जाएगा एजोर अकाउंट के साथ। फिर उसके बाद आप क्लस्टर का क्रेडेंशियल गेट करके आप वहीं से काम करना स्टार्ट करेंगे, आपको यहाँ पे पोर्टल पे आके ये क्लाउड से लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये जो एजोर सीएलआई है, ये सीएलआई आपको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन किसी का लैपटॉप विंडो 10 का है, किसी का मैक का है, किसी का उबंटू का है, किसी का सेंटोएस का है, तो एजोर सीएलआई का जो सॉफ्टवेयर है वो हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। जिसका प्लेटफॉर्म अगर विंडोज का है तो एजोर सीएलआई विंडोज वाला डाउनलोड कर ले, जिसका उबंटू का है तो एजोर सीएलआई उबंटू वाला डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एजोर सीएलआई आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। मेरे पास विंडो 10 है तो मैं विंडो 10 वाला डाउनलोड करूंगा। तो उसके लिए आप गूगल पे आ जाएं और यहां पे आके आप लिखें एजोर सीएलआई डाउनलोड, तो यहां क्लिक करें। देखिए यहां पे हर एक ओएस के लिए अवेलेबल है, देखिए कंटेनर तक के लिए अवेलेबल है 10। तो मेरे मेरा विंडोज है तो यहां पर मैं इंस्टॉल और विंडोज, ठीक है ना, इंस्टॉल ऑन विंडोज और डाउनलोड द एमएसआई इंस्टॉलर, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो रहा है, 53 MB का है, देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है 23 सेकेंड, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा ये। फिर उसके बाद मैं इसको इंस्टॉल करूंगा 35 सेकेंड, इंटरनेट की वजह से टाइम बढ़ गया, 1 मिनट दिखाने लगा ये, कोई नहीं वेट कर लेते हैं। चार मिनट 3 मिनट काफी लंबा टाइम बता रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, वीडियो को पॉज कर देता हूँ, जब भी डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तब आगे करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो हो गया दोस्तों ये डाउनलोड, इसको इंस्टॉल करते हैं हम लोग फिर। तो ये देखिए आ गया, डबल क्लिक करते हैं इसको, एक्सेप्ट किया मैंने इंस्टॉल, यस किया मैंने, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। तो वीडियो को पॉज कर देता हूं, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों इंस्टॉल, इसको फिनिश करते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने सिस्टम का कमांड लाइन ओपन करिए और फिर कमांड मारिए एजेड लॉगिन, ठीक है ना। तो जैसे आप एजेड लॉगिन करेंगे तो एक ब्राउजर ओपन होगा, और देखिए ब्राउजर ओपन हो गया और यहाँ पे आप अपना पोर्टल आईडी पासवर्ड दे दें, ठीक है। साइन इन करता हूँ तो कोड आएगा मेरे पास, तो कोड मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा,
आ गया कोड, तो कोड यहां पे मैं डाल देता हूं 612850। तो जैसे मैं वेरीफाई करूंगा तो मेरा लैपटॉप एजोर पोर्टल के साथ ऑथेंटिकेट हो जाएगा। देख सकते हैं क्या भी रहा, 10 मिनट वेट करिए बस, देख सकते हैं लॉगिन कर गया, क्लियर। अब उसके बाद मैं क्लस्टर को की क्रेडेंशियल को यहां बैठ के गेट करूंगा। तो आपको पता है कि गेट करने के लिए मैंने आपको बताया था उस दिन लास्ट वीडियो में, ये आप जनरेट कर लेते हैं ना। तो अब मैं ये वाला यहां पे पेस्ट करूंगा, देखिए एजेड एक्स गेट क्रेडेंशियल रिसोर्स ग्रुप एंड क्लस्टर का नाम, तो मैंने एंटर किया एक्स है। तो अब यहां से बैठ ये क्रेडेंशियल गेट कर जाएगा, फिर यहां से बैठ के मैं सारे पॉड्स वगैरह डिप्लॉयमेंट कर सकता हूं। डन हो गया। तो अब देखिए यहां पे मैं अपने लैपटॉप में बैठकर क्यूब सीटीएल गेट नोट्स करूं, देखिए यहां पे नोट्स दिख रहा है, आउटपुट आएगा, देख सकते हैं आप लोग यहां पर, यहीं से बैठ के मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्यूब सीटीएल रन पॉड बना के देखते हैं, वेब हाइफन सर्वर हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एंजिनिक्स। तो इसी तरीके से दोस्तों ये बन गया क्यूब सीटीएल गेट पॉड करिए, देखिए। तो मैं मुझे एजोर पोर्टल लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने लैपटॉप से ही काम कर रहा हूं, देख सकते हैं मेरे लैपटॉप का कमांड प्रॉम्प्ट है, क्लियर। इसी तरीके से आपका अगर लैपटॉप विंडो लिनक्स है तो वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारे स्टेप बता रखा है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर नजर मारें देख सकते हैं, यहाँ पर विंडोज के लिए मैक के लिए देखिए हर एक स्टेप बता रखा है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर लिनक्स के लिए भी देखिए बता रखा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आरपीएम ये देखिए। तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं अपने से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये चीज़ आपको बताना। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर स्टॉप, और इसी तरीके से अगले वीडियो में मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।